हेलो, जी मैं एफएम विविध हाँ भारती वाराणसी आकाशवाणी वाराणसी से ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ। और श्रोताओं, इस समय हमारे साथ दूरभाष पर जुड़े हैं सीनियर टूरिस्ट गाइड धर्मेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। धर्मेंद्र तिवारी जी, भारत अपना ऐसा देश है, बहुत विविधताओं वाला देश है और पर्यटन की जी दृष्टि से भी बड़ा महत्व रखता है। और यदि उसमें हम अपने काशी, जैसे बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, की बात करें, जी जी तो काशी का तो एक अपना अलग रंग है, अलग पहचान है, और कहा जाता है कि देश की ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। तो आप जी हाँ चूंकि पर्यटन से जुड़े हुए हैं और कोरोना जैसी समस्या भी इन दिनों अपना विकराल रूप धारण किए हुए है, तो ऐसी जब स्थिति आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से पर्यटन प्रभावित होता है। आप एक सीनियर गाइड हैं और बहुत जी लंबा अनुभव आपका इस क्षेत्र में है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, पर्यटन का क्षेत्र किस तरह प्रभावित हुआ है? ये इसमें एक मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो पर्यटन व्यवसाय की विशेषता है जी वो ये है कि ये सबसे बहुत ज्यादा कोमल, सुकुमार जिसको कहा जाए ना, वो शब्द इसके लिए प्रयोग किया जा सकता जी है। इसका जो व्यवसाय है पर्यटन का, बहुत ही कोमल है। इसमें जरा सा कहीं पे कोई चीज की बाधा होती है, तुरंत प्रभावित होता है। कहीं जी मौसम की मार हुई, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं वर्षा अधिक हुई, बाढ़ हुई, तो जी पर्यटन चरमरा जाता है। और ऐसे में जब वैश्विक महामारी, ये कोरोना महामारी फैली, जी जी तो हम लोगों का तो कार्यकाल चलता रहता है, हमारा सीजन जो है जी वो अप्रैल तक चलता है, लेकिन इस साल मार्च के प्रथम सप्ताह में ही जी पूरा वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में, हमारे इधर के जितने उत्तरी भारत के थे जी पर्यटक, सब धीरे धीरे वापस भागने लगे। और उसके बाद सबसे बड़ा इसका जो दुष्प्रभाव है, जी वो पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले हम लोग, जैसे हम फ्रीलांस हैं, भारत सरकार पर्यटन सरकार के पर्यटन मंत्रालय से हमारा लाइसेंस है, लेकिन फिर भी जी हम लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, हमें जो हमारे जो भुगतान होते हैं, वो सब के सब बाधित हो गए, क्योंकि बहुत से ट्रेवल एजेंसीज बंद हो गए, चारों तरफ तो लॉकडाउन हो गया। जी जी और तो हमारे पास जो है वो धन का आगमन रुक गया पूरी तरह से, बिल्कुल और उसके चलते एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट, एक मैं कहूंगा एक हिस्सा इस पर्यटन उद्योग से जुड़ा हुआ, बहुत से ऑफिस के कर्मचारी हैं जी जिनको ऑफिस ने अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया, या जिनको आधे वेतन मान पे कर दिया कि आप अगर रहना चाहते हैं तो आधे वेतन पे रहेंगे। तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इसका। जी जी और ये एक पर्यटक जब आता है तो देखिए, केवल एक ट्रेवल कंपनी या होटल को ही लाभ नहीं होता, उससे जी जुड़े आसपास के बहुत से, उस पूरे वातावरण से जुड़े हुए लोगों को उससे लाभ मिलता है। तो बिल्कुल हम लोगों को एकाएक वो सारा लाभ मिलना बंद हो गया, छोटे छोटे, मतलब मैं अपना ना कह करके एक छोटे छोटे सेगमेंट का नाम अगर लूं, हमारे यहाँ रिक्शा चालक हैं, हमारे जी छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो सब निकलते हैं पर्यटक, तो कुछ ना कुछ सबको लाभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल और एकदम पर्यटक ना आने से पूरी तरह से इस व्यवसाय से जुड़े ऊपर से नीचे तक, टॉप टू जी बॉटम, हर व्यक्ति को की आमदनी रुकी है, जी और इससे बहुत ज्यादा ये सब पूरी तरह से हमारा व्यवसाय बाधित हो गया। बिल्कुल आपका अनुभव कितने वर्षों का हो गया इस क्षेत्र में? जी मैं 1996 बैच का जी हूँ, जी जी इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से, तो जी जी 1996 बैच से। उसके बाद हम लोगों ने एक बार हल्का सा सेटबैक देखा था 2001 में, जब ये ट्विन टावर वाला अमेरिका में जो आक्रमण हुआ था, जी उसके बाद जी थोड़ा सा डाउन हुआ था। उसके बाद 2008 में हमने थोड़ा सा डाउनफॉल देखा था टूरिज्म का, हमने अपने पर्यटन क्षेत्र का,
जब मुंबई कांड हुआ था, जी 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 लेकिन इतना ज्यादा कभी भी बुरी तरीके से ये हम लोग विचलित नहीं हुए थे जितना इस बार हुए हैं। जी जी और जी जैसे जैसे इस बार स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल हैं, तो जी क्या जो प्रशासन है उसकी ओर से कुछ इस तरह की सहायता की भी कुछ व्यवस्था की जा रही है, या इस बारे में कुछ सोचा जा रहा है सरकार की ओर से? नहीं, इसके विषय में तो हमने अब तक, जहां तक हम लोगों ने एक दो बार पर, हमारे कुछ साथियों ने प्रयास किया था, कुछ जी एसोसिएशन हैं जिन्होंने प्रयास किया कि डिपार्टमेंट हमें भी, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से किसी भी प्रकार के हम लोगों को कोई आर्थिक सहायता कहीं से घोषित हुई हो सरकार द्वारा। जी और उसकी मैं अपना व्यक्तिगत अगर कहूं तो इस समय में उसकी कोई बहुत अधिक मेरी जो है वो आशा और अपेक्षा नहीं है मुझे, जी क्योंकि जी जी मैं जानता हूं कि इस समय सरकार खुद इस समय स्वयं जो है जूझ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल लोग गरीबों तक पहुंचाने के लिए। तो जो लोग एकदम नीचे निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास पहले आर्थिक सहायता पहुंच जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे जी अधिक आवश्यकता इसकी है। कोरोना कोरोना काल चल रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, तो आपकी भी प्रभावित हुई हैं जैसा आपने बताया। तो जी इस समय का सदुपयोग आप किस तरह कर रहे हैं, क्या गतिविधियां हैं आपकी? देखिए, कोरोना काल की वजह से बहुत से लोगों की गतिविधियां, अलग अलग लोगों ने कुछ अपने जो है वो शौक शुरू किए। ईश्वर की कृपा से मेरे स्वर्गीय पिताजी बहुत सारा मेरे पास खजाना छोड़ गए हैं, बड़े बहुमूल्य रत्न हैं, जी श्रीमद् जी भागवत पुराण है, वाह भागवत वाह वाह, गीता है, जी श्री जी रामचरित मानस है, क्या तो बात इनका है, अध्ययन करना और स्वाध्याय ये इस समय मेरे जीवन का अंग बना हुआ है, जी जी और इससे मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूँ। इसमें मैं समझ लीजिए कि अधिकतम समय मेरा इसी सब में जा रहा है, जी जी और उसके अलावा समाचार और ये सब देखना। यानी जी अध्यात्म चिंतन में आपका समय व्यतीत हो रहा है, और जी जी निश्चित रूप से जब कभी ऐसा अवसर आता है तो हम उस परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस तरह की जो स्थितियां आई हैं वो दूर हों, और हम सब को स्वास्थ्य भी मिले, हम सबका जीवन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। धर्मेंद्र तिवारी जी, आप ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जिसमें देश के ही नहीं बहुत सारे विदेश से आने वाले पर्यटकों से भी आपका संपर्क होता है, आप उनका मार्गदर्शन करते हैं। जी काशी की जो ऐसी ऐसी जगहें हैं उनके बारे में आप उनको बताते हैं, कितनी भाषाओं की जानकारी आपके पास है, किन किन देशों के पर्यटकों से आप अच्छे से जुड़ पाते हैं? मैंने इटालियन भाषा सीखी थी, जी लेकिन मूल रूप से मैं चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग गाइड के रूप में काम करता रहा, जी जी तो भाषा अभ्यास का विषय है, बिल्कुल मेरा बिल्कुल अभ्यास कम होने की वजह से वो छूट गया। लेकिन अंग्रेजी भाषा में भी काफी, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ जी अफ्रीका है, तो जी हमारे जो वेस्ट इंडीज वगैरह, ये सब बहुत सारे, कुछ दक्षिण अमेरिकी देश हैं जिनमें इंग्लिश चलती है, तो जी इस तरह से इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश की वजह से भी मुझे ये इन देशों के टूरिस्ट मिलते हैं ज्यादातर। जी जी अच्छा, बहुत सारे देशों का नाम आपने लिया, आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो जो किसी पर्यटक के साथ वो यादगार रहा हो, ऐसा कुछ यदि आप बताना चाहें? अभी पिछले 2-3 वर्षों में मेरे कुछ ऐसे ग्रुप आते हैं जी जो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से इतने अधिक प्रभावित हैं, जो काशी में आने के बाद मुझसे कहते हैं कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं वेदी से लेकर के और यज्ञ करने के लिए उनके पुरोहित का सबका इंतजाम करता हूँ, सबका प्रबंध करता हूँ। तो वाह वाह, ये 2-3 ग्रुप जो है इस तरह के मेरे इधर पिछले 2-3 साल में आए हैं। जी, ये मेरे लिए अविस्मरणीय इसलिए है कि अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में जिस विषय में रुचि थोड़ी सी कम हो रही है, हमारे
युवा वर्ग की, उस विषय में, उस दिशा में जी विदेशी लोगों की रुचि बढ़ रही है, जो एक अच्छा संकेत है। जी, यानी हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, लेकिन उधर के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए अग्रसर जी हो रहे जी हैं। धर्मेंद्र तिवारी जी, जी काशी एक बहुत ही विशिष्ट है, कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर विराजित है, और ऐसे रंग में रंगी रहती है कि बनारस की मस्ती में हर कोई खोना चाहता है। यदि हम बनारस की व्याख्या करने को आपको कहें एक टूरिस्ट गाइड के रूप में, तो हमारे श्रोताओं को किस तरह काशी के महत्व के बारे में आप बताएंगे? देखिए, ये ऐसी संस्कृति है, ऐसा संस्कार है इस काशी का, जी जिसके विषय में यदि मैं अपने भारतीय लोगों को कहूँ तो दो लाइन में, चना चबेना गंग जल वाह जो पुरवै करतार, काशी कबहुं न छाड़िए जहाँ विश्वनाथ दरबार। जब बाबा विश्वनाथ का दरबार है और यहाँ पे संतोष करके कोई बहुत हमें बहुत दिखावटी जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, जी सादा भोजन करके अगर गंगा जी और बाबा विश्वनाथ का दर्शन मिल जाए तो जी ये बहुत बड़ा आनंद है। तो ये यहाँ का की जीवन शैली थी, जी है और रहेगी, बिल्कुल और बिल्कुल विदेशियों के लिए तो ये मोक्ष का द्वार है। इसको जब हम लोग समझाते हैं कि जी ये द सिटी ऑफ लर्निंग एंड बर्निंग, ज्ञान और मोक्ष दोनों यहाँ पर उपलब्ध हैं, जी जी तो ज्ञान के हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं। महामना जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक विश्व के लिए बहुत बड़ा दीपक जलाया ज्ञान का, बिल्कुल और मोक्ष का द्वार हमारे मोक्षदायिनी माँ गंगा के तट पर जो है वो मणिकर्णिका। तो वाह वाह ये जो है वो एक अद्भुत संगम है, एक अनोखा संगम है, जी एक ऐसा शहर जहाँ जीवन है और मृत्यु को भी ससम्मान स्वीकार करते हैं। इसको कोई बहुत दूर करके या अपने जीवन से अलग करके नहीं देखा जाता, बिल्कुल ये जीवन बिल्कुल का एक भाग। बिल्कुल, बहुत जी बहुत ही दार्शनिक स्वरूप में आपने अपने विचार व्यक्त किए, और निश्चित रूप से श्रोताओं को भी इस पक्ष को जानकर बहुत आनंद आएगा। चलते चलते हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी कोरोना काल आया है वो उसमें बहुत जी धीरज की ज़रूरत है, बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। आप अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति में जो मानसिक तनाव हो रहा है उससे बचने के लिए? देखिए, मैंने बहुत एक बार और भी एक संदेश मैंने दिया था समाचार पत्रों के माध्यम से भी एक बार। जी सबसे सबसे बड़ी आवश्यकता है हमें, जिस भी धर्म के हों, मैं नहीं कहता हूं कि आप सब धर्म के लोग रामचरितमानस का पाठ करें, जी अपने अपने धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करें, थोड़ा समय ईश्वर की भक्ति में दें जी और प्रार्थना करें कि पूरे विश्व का कल्याण हो। जैसा कि एक हिंदू धर्म की एक परिपाटी रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाह सर्वे वाह सन्तु निरामया, बिल्कुल हम बिल्कुल सबके आरोग्य की कामना करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। और बिल्कुल दूसरा एक संदेश ये कहूंगा, सबसे निवेदन करूंगा, अनावश्यक बाहर ना निकलें, जी अनावश्यक भीड़ ना बढ़ाएं। जहां पर बिना मास्क के लोग दिखाई पड़े वहां आप एकदम ना रुकें, कदापि ना रुकें, जी चलते चले जाएं और स्पर्श ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कह रहे हैं जी उसका पालन करें और सरकारी नियमों का पालन करें। वाह, हमारे साथ श्रोताओं थे वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड श्री धर्मेंद्र तिवारी जी। हम FM विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.